देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय के बाहर, और आपको बता दें कि मेरे ठीक पीछे जो आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय है, दफ्तर है, इसी के पहले तल्ले पर जो बिल्डिंग है, इसके पहले तल्ले पर मनीष कश्यप से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिली है कि पहले तल्ले पर मनीष कश्यप है, ईओयू उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि तमिलनाडु मामले में मनीष कश्यप से लगातार पूछताछ की जा रही है, कई जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में मनीष कश्यप को लेकर लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर और जो नेशनल टेलीविज़न, इस पर कई तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, और मनीष कश्यप से यहीं पर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पहले एक दिन के रिमांड पर कोर्ट ने मनीष कश्यप को ईओयू को सौंपा था, और ऐसे में देखिए कि इस रिमांड की अवधि को बढ़ाकर 4 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि सोमवार तक ईओयू मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी। और तमिलनाडु प्रकरण में, तमिलनाडु में जो फर्जी वीडियो वायरल का मामला है कि उन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की है, इस तरह के कई आरोप मनीष कश्यप पे लगे हैं, उसी मामले में मनीष कश्यप से लगातार पूछताछ चल रही है। कई अहम जानकारियां भी इसको लेकर सामने आई है। ऐसे में ईओयू दफ्तर के बाहर आईवीटीवी पहुंचा है। तमिलनाडु प्रकरण पे जो पूछताछ की जा रही है उसमें कई अहम जानकारियां भी अब तक सामने आई है। सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं, मनीष कश्यप के दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम नागेश कश्यप बताया जा रहा था, और ऐसे में कई अहम जानकारियां अब तक सामने निकल कर आई हैं। बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गुरुवार को एक तरफ कोर्ट से रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई, तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु की पुलिस ने भी कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन दिया है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद मनीष कश्यप को पुलिस तमिलनाडु भी ले जा सकती है। कोर्ट ने ईओयू को 24 घंटे के लिए मनीष कश्यप को रिमांड पर दिया था, लेकिन गुरुवार को अवधि पूरी हो गई, इसके बाद फिर से 4 दिन के लिए ईओयू ने रिमांड पर मनीष कश्यप को लिया है। कोर्ट को बताया गया कि मनीष कश्यप से कई और सवाल पूछे जाने हैं, अब तक की पूछताछ में उसने बहुत कम जानकारी दी है। इसके बाद कोर्ट से 4 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले मनीष कश्यप के दोस्त नागेश को भी ईओयू गिरफ्तार कर चुकी है। बुधवार यानी कि 22 मार्च को पटना से ही उसकी गिरफ्तारी की गई। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हो गया था, यह पहले भी जेल जा चुका है। बता दें कि जिस दोस्त का जिक्र, नागेश कश्यप का जिक्र आईवीटीवी कर रहा है, या फिर तमाम जो अखबार हैं, सोशल मीडिया है, उन पर नागेश कश्यप को लेकर जो खबरें छापी गई हैं, उसके अनुसार नागेश कश्यप की जानकारी खुद मनीष कश्यप ने दी थी, और इसी जानकारी के बाद ईओयू ने नागेश कश्यप को गिरफ्तार किया है, उनसे भी पूछताछ की गई है। बता दें कि ईओयू ने अहम जानकारी नागेश कश्यप को लेकर ये दी है कि 14 दिनों के पुलिस न्यायिक हिरासत में जब मनीष कश्यप गए, तो सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के सपोर्ट में नागेश कश्यप लगातार पोस्ट कर रहे थे, और ऐसे में अनियमित जो आय है इसको लेकर भी नागेश कश्यप की जो है उन पर आरोप है कि नागेश कश्यप ने कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का साथ दिया है। इसके साथ ही उन पर तमिलनाडु का वायरल वीडियो जो था बिहारी मजदूरों के मारपीट को लेकर, इस पर इसको लेकर भी कई सारे आरोप नागेश कश्यप पर है, और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे भी ईओयू लगातार पूछताछ कर रही है। बता दें कि फेसबुक और कुछ अन्य सोशल मीडिया साइट पर इसने मनीष कश्यप के समर्थन में कई पोस्ट किए हैं। वह आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय के बाहर भी गया, यहाँ तस्वीर खिंचवाई। इस बीच फेसबुक पर वह लाइव भी आया और मनीष के समर्थन में काफी कुछ कहा। इन सब के बीच टीम ने 22 मार्च बुधवार को उसे भी दबोच लिया है। फेसबुक अकाउंट से पता चलता है कि मनीष कश्यप के साथ नागेश की अच्छी दोस्ती है, यह आरा का रहने वाला है। इस पर पटना में कई मामले भी दर्ज है, कोतवाली थाने में भी केस है। कश्मीरियों के पिटाई के मामले में इसके दोस्त नागेश कश्यप के साथ गिरफ्तार किया गया था। टीम इससे भी कई सवाल का जवाब मांगेगी। बता दें कि पहले से मनीष कश्यप पर ईओयू ने 3 केसेस दर्ज किए हैं। ऐसे में मनीष कश्यप को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। एक अखबार के हवाले से हम बता रहे हैं, दैनिक भास्कर में इस बात का जिक्र है कि अयांश का मुद्दा भी कई लोगों ने उठाया है, और इस पर भी मनीष कश्यप से पूछताछ होनी है। जी हाँ, अयांश का मुद्दा 2021 का है, जब इंजेक्शन के लिए क्राउड फंडिंग की मांग मनीष कश्यप लगातार अपने चैनल के माध्यम से कर रहे थे। और ऐसे में देखिए कि एक शिकायत और भी ईओयू के पास आई है, काफ़ी गंभीर शिकायत है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि अगर इसकी सत्यता जो है ईओयू को पता लग जाती है कि ये सही है, तो उसके बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें आईवीटीवी के साथ। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं बीना सिंह, पटना से। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।